आज नए कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है जिसमें 10,000 कृषक उत्पादक संगठन शामिल होंगे। इस पर आधारित एक फिल्म भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर इस वृहद कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कृषक उत्पादक संगठन, 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों के साथ एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ। एक एक कर सब मिल जाए तो बनता है एक, जैसे बंद मुट्ठी उंगलियां है अनेक। एकता से सफलता की एक ऐसी ही मिसाल है किसानों के अपने उत्पादक संगठन यानी कि FPO। साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि एकता में शक्ति होती है। ये बात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर भी लागू होती है। FPO आधुनिक खेती का एक ऐसा प्रगतिशील मॉडल है जहां किसानों के समूह एक साथ मिलकर खेती के साथ साथ अपनी फसलों का व्यापार भी खुद करते हैं। हम सब किसान मिलकर एक संगठन बनाया है ताकि किसान को अच्छी से अच्छी रेट मिले। FPO बनाने के लिए एक गांव के एक जैसी फसल उगाने वाले 15 से 20 किसान मिलकर एक समूह बनाते हैं। ऐसे समूहों के जुड़ने से बनता है एक FPO। लगभग 300 किसानों के संगठन से बने FPO में खेती और उसके व्यापार से जुड़े फैसले लेने के लिए किसान खुद अपना संचालक मंडल चुनते हैं। FPO बीज से लेकर बाजार तक और लोन की सुविधा से लेकर तकनीकी सहायता मुहैया कराने तक किसानों की हर समस्या का समाधान करते हैं। साथ ही फसल की कीमत कम करने के साथ बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए अपनी फसल की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग भी खुद करते हैं। गांव के किसान का एक बड़ा समूह गांव में अपनी पैदावार इकट्ठा करके उसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचने को निकलेगा तो उसके हाथ ज्यादा पैसे आएंगे। हम संतरा का काम करते हैं, हमारा खुद का बगीचा है। ग्रेडिंग मशीन लगाई हमने तो इसमें साइजर का बड़ा अच्छा सिस्टम है, जो दाना जाए निकलना वैसे ही निकल रहा। इससे क्या होता है कि ये मार्केटिंग करते हैं दाने वाइज अपन, तो इसका पैसा ठीक बन जाता है। कृषि विकास में FPO की संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 10,000 नए FPO बनाने का निर्णय लिया है। FPO का आर्थिक आधार मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार हर FPO को 15 लाख रुपए तक का अनुदान देगी और कारोबार से जुड़े 2 करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी भी लेगी। इस योजना में FPO को CBBO के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही हर एक जिले से एक मुख्य फसल को बढ़ावा देते हुए आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब मिलेगी किसान को एक नई पहचान, हर एक काम देश के नाम। मिलेगी हर किसान को एक नई पहचान, हर एक काम देश के नाम। शुचिता, ईमानदारी, विकास।